हूँ उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। टोरंटो में दो हफ्तों के बाद सूरज निकल आया, शहर में जल्द सर्द मौसम की वापसी मुतवक्के। माहरीन ने वीकेंड पर शहर में बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर कर दिया। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान को कत्ल करने वाले के खिलाफ सजा की कार्रवाई का आगाज। लवाकीन का कहना है कि आपके प्यारों की यादें कभी कम नहीं होंगी। मुस्लिम कम्युनिटी का इस्लामोफोबिया के खिलाफ ठोस इकदाम करने का मुतालबा। कैनेडियन अदालत का फैसला, अदालत ने जासूसी के खतरे का खदशा जाहिर कर दिया। माहरीन का कहना है कि अदालती फैसले ने जासूसी के खतरे का पैगाम दिया है। अदालती फैसले के मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों पर असरात मरतब हो सकते हैं। जापान में तबाहकुन जलजले से अमवात की तादाद 92 हो गई। लापता अफराद की तादाद 200 से ज़ायद। तकरीबन 30,000 घरों को बिजली की फराहमी ताहाल मुनक़ता। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास। गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। वेलकम बैक। एक सुनसान दिसंबर और नए साल के आगाज के बाद सूरज बिल आखिर जनूबी ऑन्टेरियो में निकल आया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक सुनसान दिसंबर और नए साल के आगाज के बाद सूरज बिल आखिर जनूबी ऑन्टेरियो में निकल आया है। टोरंटो में क्रिसमस के दिन से पहले से अबर आलूद है। टोरंटो दो हफ्तों से ज्यादा अंधेरे में था। सूरज की रोशनी ने आखिरकार जुमेरात को जनवरी का एक ठंडा दिन हासिल किया। ताहम सूरज के बावजूद सुबह सवेरे दर्जा हरारत तेज हवा के साथ ठंडा हुआ था, जिससे हफ्तों में कुछ ठंडा मौसम भी महसूस हुआ था। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि सुरंग के आखिर में रोशनी मुख्तसर होगी, जिसमें आने वाले हफ्तों में सुरमई रहने की तवक्को है। माहिरीन के मुताबिक मौसम सरमा के बादलों का ये सिलसिला ऑन्टेरियो के लिए गैर मामूली नहीं है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी साल के सबसे ज्यादा अबर आलूद महीने होते हैं। लेकिन मुसलसल अबर आलूद आसमान और गैर मामूली धुंध भरी क्रिसमस के बाद जुमेरात के सूरज की चमक को यकीनी तौर पर और भी खास महसूस कर रही है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक तवील रेंज की पेशन गोई के मुताबिक मौसम सरमा की जल्द वापसी का इम्कान है। इस हफ्ते के आखिर में ज्यादा बादल छाए हुए हैं और यहाँ तक के बर्फबारी भी होगी। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त बर्फबारी का इम्कान अभी तक गैर यकीनी है, लेकिन नियाग्रा, ग्रेटर टोरंटो एरिया और मशरक के इलाकों में चंद सेंटीमीटर यकीनी तौर पर मुमकिन है। कनाडा में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी खानदान में हलाक होने वाली एक खातून की वालिदा का कहना है कि जब भी वो चहलकदमी करती हैं तो उन्हें अपनी जान का खौफ लाहक होता है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी खानदान में हलाक होने वाली एक खातून की वालिदा का कहना है कि जब भी वो चहलकदमी करती हैं तो उन्हें अपनी जान का खौफ लाहक होता है, जबकि इस बात को यकीनी बनाने के अज़म का इजहार करते हुए कि उनके कत्ल किए गए प्यारों की यादें कभी मद्धम ना हो। ताबिंदा बुखारी, जिनकी बेटी मदीहा सलमान सफ़ेद फार्म बालादस्ती के हाथों हलाक होने वालों में शामिल थी, ने कातिल वेल्ट मैन की सज़ा की समाअत के दौरान बताया कि जब हमला हुआ तो वो पाकिस्तान में थी और फ़ोन और टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए ये जानने की कोशिश की कि क्या हुआ है। 23 साल वेल्ट मैन को नवम्बर में 6 जून 2021 को चहलकदमी के लिए बाहर निकलते हुए अफजल खानदान को ट्रक से टकराने के लिए फर्स्ट डिग्री कत्ल के 4 और कत्ल की एक कोशिश का कसूरवार पाया गया था। 44 साल मदीहा सलमान, उसके 46 साल शोहर सलमान अफजल, उनकी 15 साल बेटी यमना और उसकी 74 साल दादी
तलत अफजल जाबहक हो गईं जबकि जोड़े का 9 साल बेटा शदीद जख्मी हुआ लेकिन वो बच गया। वेल्टमैन के मुकदमे की समाअत विंडसर ऑन्टेरियो में हुई लेकिन सजा की कार्रवाई बशमूल मुतासिरीन के असरात के बयानात की फराहमी लंदन में हो रही है। बुखारी ने बताया ये इश्तियाल अंगेज था, उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, कोई उनके साथ ऐसा क्यों करेगा। उसने कहा कि इसके कत्ल शुदा रिश्तेदारों की याद दहानी हर जगह मौजूद है और उनकी मौत के हालात उसे परेशान करते हैं। बुखारी जो हमले के बाद अपने खानदान के साथ रहने के लिए पाकिस्तान से कनाडा मुंतकिल हुई ने वादा किया कि उनकी यादों को महफूज रखा जाएगा। जस्टिस रैनी पॉमरेंस जिन्होंने मुकदमे की निगरानी की ने ज्यूरी को हिदायत की कि वो वेल्टमैन को फर्स्ट डिग्री के कत्ल का मुजरिम करार दे सकते हैं अगर वो मुतफिक तौर पर इस तकाजा से इत्तेफाक करते हैं कि वो मुतासरीन को कत्ल करने का इरादा रखता है और उसके हमले और मंसूबा बंदी की थी। सजा की समाअत शुरू होने से पहले मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान ने कनाडा को इस्लामोफोबिया के खिलाफ खड़े होने और लोगों को महफूज महसूस करने के लिए ठोस इकदाम करने की जरूरत के बारे में बात की। कनाडा में माहरीन का कहना है कि अदालत का चीनी तालबे इल्म को रोकने का फैसला जासूसी के खतरे के बारे में पैगाम देता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में माहरीन का कहना है कि अदालत का चीनी तालबे इल्म को रोकने का फैसला जासूसी के खतरे के बारे में पैगाम देता है। कैनेडियन खुफिया एजेंसी यूनिवर्सिटियों को कौमी सलामती के खतरा से मुतनबा करने की इजाज़त देने के लिए कानून में तब्दीलियों का ख्वाहां है। एक अदालती फैसले के मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों पर असरात मुरतब हो सकते हैं जिसमें वफाकी अदालत के जज ने एक चीनी बाशिंदे को कनाडा में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। ये दलील देते हुए कि इंजीनियरिंग के तालबे इल्म पर बीजिंग की तरफ से जासूसी के लिए दबाव डाला जा सकता है। केस का मरकज योकांग ली की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में तालीम हासिल करने और सेहत आमा के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अपना इल्म वापस चीन ले जाने के लिए वीजे की दरख्वास्त पर है। फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस पॉल क्रिम्पटन ने फैसला दिया कि ली की तजवीज़ गैर रिवायती जासूसी की तारीफ के तहत आती है। अदालती फैसले में कहा गया है कि चूंकि दुश्मन रियासती अदाकार कनाडा या बैरून मुल्क हसास मालूमात हासिल करने के लिए गैर रिवायती तरीकों का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, कनाडा के मफादात के बरक्स अदालत की जानिब से जासूसी की तारीफ में इजाफा होना चाहिए। बीजिंग में और मुमकिन तौर पर चीन के दूसरे शहरों में वीजा अफसरान को कुछ रहनुमाई दी गई है कि उन तलबा और प्रोफेसरों के साथ मुमकिन फौजी रवाबित जो चीन से कनाडा आना चाहते हैं और हमारे अपने प्रोफेसर्स के साथ काम करना चाहते हैं पर नज़र रखनी चाहिए। जज ने चीन की दिफाई सनत से ताल्लुक़ रखने वाली बीजिंग यूनिवर्सिटी में ली के मुताले की तरफ इशारा किया। हकीकत यह है कि ली का मुताला चीन की बायो फार्मास्यूटिकल सनत और साइंसदानों और तलबा को निशाना बनाने की चीन की मारूफ तारीख को फ़ायदा पहुँचा सकता है। माहरीन का कहना है कि ये फैसला कनाडा को बढ़ते हुए मसले पर गिरफ्त हासिल करने का एक नया जरिया फराहम करता है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया जब कनाडा की यूनिवर्सिटियों और तहकीकी प्रोग्रामों में चीन की दिलचस्पी पर तशवीश बढ़ रही है। जापान के वस्ती सूबे इशिकावा में आने वाले हालिया तबाहकुन जलजले से अमवात की तादाद 92 हो गई जबकि लापता अफराद की तादाद 200 से ज्यादा हो गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जापान के वस्ती सूबे इशिकावा में आने वाले हालिया तबाहकुन जलजले से अमवात की तादाद 92 हो गई जबकि लापता अफराद की तादाद 200 से ज्यादा हो गई है। हुकाम के मुताबिक जलजले से मुतासिरा इशिकावा में तकरीबन 30,000 घरों को बिजली की फरहमी अब भी मुनक़ता है जबकि 90,000 से जायद घरों में ताहाल पानी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी को इशिकावा में 7.6 शिद्दत का जलजला आया था जिसके बाद फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई थी। हुकाम के मुताबिक लापता अफराद की तादाद बढ़कर 242 हो गई है जबकि जलजले के नतीजे में मलबे तले जिंदा बच जाने वाले अफराद की तलाश की उम्मीदें 72 घंटे गुजरने के बाद अब दम तोड़ चुकी हैं। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।